टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ्राइड मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो फ्राइड मोदक हम बहुत बार बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी लेके आई हूँ। फ्राइड मोदक के स्टफिंग के लिए हमें लगेगा 1 कप कोकोनट। ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, इसे ग्रेट करके आप इसकी जगह पे फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हो। 1/2 कप शुगर, 2 टेबलस्पून मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जो आपको पसंद है आप ले सकते हो, 2 टेबलस्पून घर की मलाई है, फ्रेश मलाई, और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। फ्राइड मोदक का डो बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप मैदा, 3/4 कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 4 टेबलस्पून देसी घी, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, सॉल्ट, और जरूरत के अनुसार पानी। पहले हम मोदक का डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर एक छलनी रखा है। मैं अब डालूंगी मैदा, गेहूं का आटा, कॉर्नफ्लोर, और ये सॉल्ट भी मैं इसी में डाल दूंगी। इसे हमें एक बार छानना है। ये मैंने अच्छे से छान के लिया है। अब हमें इसमें डालना है जो हमने 4 टेबलस्पून घी लिया था, उसमें से मैंने 1 छोटा चम्मच घी साइड में निकाल के रखा है, और वो मैं स्टफिंग में यूज करूंगी। और बाकी सब घी मैंने गरम किया है, कड़क गरम करना है एकदम, और इसके डो आटे के ऊपर आपको डालना है। इससे हमारे मोदक बहुत खस्ता बनेंगे। ये बहुत गर्म है, इसे तुरंत हाथ से नहीं मिक्स करना है, थोड़ा मैं चम्मच से मिक्स करती हूँ। घी आटे में अच्छी तरह लगना चाहिए, अच्छी तरह इसे आपको ऐसे मिक्स करते रहना है। अब मैं इसे हाथ से मिक्स करती हूँ। हमारा जो आटा है ऐसे क्रम्बल टाइप हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसे हमें अच्छे से ऐसे ऐसे करके मिक्स करना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमें ज्यादा सॉफ्ट मतलब पतला डो नहीं चाहिए, और ज्यादा कड़क भी डो नहीं चाहिए। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बनाऊंगी। ये डो मैंने रेडी कर लिया है। देखिए, ये ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज्यादा टाइट भी नहीं है, ऐसे हमें डो चाहिए। इसे हमें कंपलसरी 15 मिनट ढक के रखना है, तभी ये मोदक अच्छे बनेंगे। मैं इसे ढक के साइड में रखती हूँ, तब तक हम फिलिंग रेडी करेंगे। देखिए, मैंने पैन रखा है, इसकी गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, हमने जो बचा के रखा था वो मैंने डाला है। इसमें हमें डालना है कोकोनट, आप फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हो। इसमें डालेंगे हम शुगर, शुगर स्किप करके आप इसकी जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने अब लो कर दूंगी, और इसमें मैं डालूंगी फ्रेश मलाई। अगर आपके पास मावा अवेलेबल है घर पे तो आप वो भी डाल सकते हो, 2 टेबलस्पून। शुगर मेल्ट होने तक हमें अच्छे से ये मिक्स करना है। अभी हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे थोड़ा ये ड्राई ही रहता है, नहीं तो कभी कभी वो तलने के बाद उससे स्टफिंग ऐसे पानी पानी हो जाता है, इसलिए इसे मैंने से ड्राई ही ये अच्छा लगता है। इसके अंदर मैं डालूंगी इलायची पाउडर।
अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा ऐड कर सकते हो। हमारा स्टफिंग रेडी है, अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दूंगी। फ्रेंड्स, ये मोदक का स्टफिंग रेडी है। इसे मैंने थोड़ा ड्राई ही रखा है। अगर आपने ड्राई कोकोनट लिया है तो आपको इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। इसकी खुशबू बहुत मस्त आ रही है। इसे हमें पूरा ठंडा कर लेना है और बाद में हम इसके मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये डो में से मैं एक बॉल लेती हूँ, इसे राउंड करना है। जरूरत लगी तो ही हम सूखा आटा यूज करेंगे, नहीं तो सूखा आटा नहीं यूज करना है। हमें ये रोटी ज्यादा पतली भी नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। हम जैसे पूरी बेलते हैं ना, वही टाइप में हमें ये बेलना है। अब ये मैंने बड़ी रोटी बेल ली है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैं निकालूंगी, इसमें से मैं ऐसे झटपट बन जाते हैं। इसमें मैं अभी स्टफिंग डालूंगी। इसमें मैंने स्टफिंग डाल लिया है। अब मैं हाथ को थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसकी ऐसे ही कलियां बनाऊंगी। जैसे हम उकड़ी के मोदक को बनाते हैं स्टीम मोदक में, वैसे ही हम इसकी भी ऐसे कलियां बनाएंगे और इसे हल्के हाथ से गोल गोल घुमाएंगे। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इजी है। ऐसे ही ये सारे मोदक मैं रेडी कर लेती हूँ। देखिए, मैंने ये सारे मोदक बना के रेडी कर लिए हैं। मैंने जो आपको मेजरमेंट बोला है उसमें 21 मोदक मीडियम साइज के परफेक्ट रेडी हो जाते हैं। मैंने तेल गरम करके रखा है। ये मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल एकदम परफेक्ट गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें मोदक छोड़ती हूँ फ्राई करने के लिए। तेल हमें ज्यादा भी गर्म नहीं करना है। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हमें लो पे नहीं रखना है और हाई भी नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें मोदक फ्राई करने हैं। आपने लो फ्लेम रखा तो मोदक ऑयली हो जाएंगे और हाई रखा तो मोदक जल जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे ऐसे इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मोदक को गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसे और थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें इन्हें चारों ओर से ऐसे घुमा के ऐसे फ्राई करना है सब ओर से। और ये हमारे मोदक लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट में ही ये फ्राई होके रेडी है। देखिए, ये परफेक्ट कलर और परफेक्ट टेक्सचर आया है। ऐसे ही मैं ये सारे मोदक फ्राई करके रेडी करती हूँ। देखिए, ये फ्राइड मोदक रेडी है। मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए, ये बहुत खस्ता बने हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और इसकी खुशबू भी इतनी मस्त आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।